हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो होप करता हूँ आप सबको पिछले ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो एक्चुअली मैं ना थोड़ा जुकाम हुआ हुआ है बिकॉज क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है। आप जैसे देख सकते हो धुएं धुएं। अभी मैं अप्रॉक्सीमेट 2 बजे के टाइम पे शूट कर रहा हूँ और 2 बजे के टाइम पे भी अभी सूरज नहीं निकला है। तो ये तो हालत हो चुकी है कि अब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि सूरज भी नहीं दिखाई दे रहा। तो होप एक्चुअली मैंने आपको एक चीज़ दिखाने के लिए फ़ोन मतलब ब्लॉगिंग ऑन की है। तो उसका रीज़न बेसिकली ये है कि क्यारा का एक तीथर जो ऑर्डर किया था वो आ चुका है आज। तो बेसिकली तीथर आपको मैंने बताया था कि उसके दांत आ गए हैं, तो वो पीसती है अपने उनको मतलब दांतों से हर चीज़ों को दबाने की कोशिश करती है। तो तीथर ये उसी काम में आता है एक्चुअली में, ये वाला जो हिस्सा है वो दबाने के काम आता है उसके, और आराम से ये वाला हैंडल से पकड़ सकती है और इसको दबा सकते हैं तो उसके दांत नहीं टीसेंगी। तो अभी तो फिलहाल क्यारा अभी घर पर आया था, मैं क्यारा सो रही थी। चलो आपको मिलाता है एक न्यू मेंबर से। हेलो, हेलो टू एवरीवन। हेलो, मेरा नाम मनीष है। माई इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करना, मेरा इंस्टाग्राम मनीष शुक्ला 7400। तो ये जितना जितने समझदार या साउथ दिख रहे हैं ना उतने हैं नहीं है, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा शैतान है, बहुत तगड़े वाले। तो ये आपको पता नहीं, वो तो सारे होते हैं, मैं ही नहीं हूँ। नहीं, सारे नहीं होते, तुम बकरे हो भैया, तुम अलग से शैतानियाँ करते हैं। सारे होते हैं। नहीं। तो बेसिकली ये बेसिकली मेरे चाचा जी का छोटा लड़का है। तो आज से अगर कुछ टाइम पे अगर मैं नहीं करूँगा ब्लॉगिंग तो ये किया करेगा। तो कुछ वीडियोज़ इसकी भी आने वाली है ब्लॉगिंग की, इसी चैनल पे, सेम इसी चैनल पे रहेगी। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में, अगर क्यारा उठ जाएगी तो फिर आपको तीथर वाला भी दिखाते हैं, तीथर वो कैसे यूज़ करती है। बाकी ब्लॉग तो ये करेगा ही ना। लो भैया अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो। दे दिया मैंने। दे दिया हाँ। और कुछ नहीं देना है। कहाँ स्टडी कर रहे हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं लॉर्ड ड्रामा पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, बठिंडा में रहता हूँ। हाँ, ये भी सही बात है। वैसे ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर क्या बताना? मैं अभी 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास, विच स्कूल? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? लॉर्ड ड्रामा पब्लिक स्कूल। तो ये कौन सा स्कूल है? ये कहाँ पढ़ता है? इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल है। सीबीएसई तो है, पढ़ता कहाँ है? हमारे बठिंडा में तो नहीं है स्कूल। यही बठिंडा में स्कूल है, बठिंडा में। चलो, तो ये ना ये थोड़ा अलग लेवल की शैतानियाँ करता है। इसको असल में थोड़े अलग तरीके की शैतानियाँ इसकी, आप थोड़े अगले ब्लॉग में देखोगे, ये अलग अलग लेवल की शैतानियाँ इसको, है ना? कौन सी लेवल की शैतानियाँ? अरे यार, इतनी सरप्राइज आपको दिखाते हैं। अरे ब्लॉगिंग स्टार्ट क्या हुई है, इधर पकड़ना। तो देखो ये रही बात। तो जैसे ही तो जैसे ही भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई ना, जैसे ही मैंने करना शुरू किया, क्यारा उठ के हाजिर। ये चैनल को लेके बहुत सीरियस है। अरे मेरे चैनल को लेके बाकी बड़ी सीरियस है ना, तुरंत उठ जाती है ब्लॉगिंग के चक्कर में। जैसे ही ब्लॉग का नाम आता है तुरंत उठ के खड़ी हो जाती है ना क्यारा। क्यारा तो ये रहा भाई, देखो कक्कू जी का डांस, इनका ये स्टेप पूरा फेमस कर दो भाई, है ना कक्कू जी? तो ये लो क्यारा पकड़ो। तो ये क्यारा जी के चाचू जी हैं, है ना चाचू जी? अरे इतने छोटे चाचू कहाँ से बन गए तुम? बन गया। तो जब क्यारा आई तब मैं चाचू बन गया। क्यारा आई तब चाचू बन गए तुम? क्यारा बड़े अच्छे ना, है ना क्यारा? है क्यारा सो के उठी है, बोलेगी नहीं। तो क्यारा भी सो के उठी है, तो इसी वजह से थोड़ी एक्चुअली मैं कितना हम पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा पटाखे लोग चलाते हैं। एक्चुअली हमारे पंजाब में एक चीज़ का और भी दिक्कत है, हमारे यहाँ पे जब चावल कट जाते हैं तो उसकी जो डंठल रहती है, एक्चुअली मेरे को पराली बोलते हैं, तो उसको इतना ज़्यादा जलाते हैं, मतलब दिवाली के एक दिन पहले ही जला देते हैं लोग की रात को, दिवाली के चक्कर में किसी को पता ना लगे। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे ना थोड़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो ये पोल्यूशन अकेला हमारे पंजाब में नहीं, दिल्ली साइड इस साइड में जाओगे तो पूरा आपको देखने, हरियाणा दिल्ली ये सब एरिया में ना पूरा अच्छे से पोल्यूशन हो जाता है। मतलब दिल्ली का तो आज न्यूज़ में आ रहा था कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हुआ। तो ये थोड़ा पोल्यूशन के इफेक्ट ना हमें पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में ना लोग समझ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है कि वो पराली जलाते ही जा रहे हैं, जलाते ही जा रहे हैं, भी हो रहा है सबको बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो पोल्यूशन की वजह से होना देखो लाजमी, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन। मैं देखो 2 बजे के अराउंड शूट कर रहा हूँ और आप देख सकते हो सूरज, धूप ही नहीं है, 1% की धूप नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि पूछो मत। देखो हमारे यहाँ पे धूप रहती है, तो यहाँ पे ना अपने पूरा धूप रहती है यहाँ पे पूरी, और पोल्यूशन के कारण पूरा मतलब अंदर से पूरा कोहरा कोहरा ही कोहरा ही कोहरा है और कुछ नहीं है। और आसमानों पे वो वाली वीडियो याद आ गई मुझे, आसमानों की ऊंचाइयों पे। बेसिकली आगे के ब्लॉग में ना ये मेरे साथ ही ब्लॉगिंग करेगा, ये थोड़ा पार्टनर
पार्टनर बनोगे तुम्हारा कियारा वर्ल्ड ब्लॉग वाला में तो कब मनीष शुक्ला भी ऐड करना पड़ेगा। चलो मैं इसका हम ऐड धीरे धीरे कर लेंगे अपने आप, ठीक है? पर मेरे को फॉलो करना, हाँ इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो अभी तो बना लेना तेरा यूट्यूब चैनल, जब यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो यूट्यूब का भी बता देंगे इसको। तो होप करता हूँ कि अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में ना कियारा भी सो के उठी है तो इसलिए इसका तीथर नहीं कर रहे, तीथर थोड़ी देर में इसको देते हैं फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आते हैं इसके। तो बाकी क्या चाहिए? रसगुल्ला। हाँ हमें नहीं खाना है, तुम खाओ, तुम्हारे तुम्हें अच्छा लगे तो मुबारक, हम नहीं खाएंगे। मुझे भी कर लो व्लॉगिंग में ऐड, तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर पे ऐड करना। नहीं तुम 1000 सब्सक्राइबर पे आ रही हो ना, हम भी कुछ अपना टैलेंट दिखा दे। नहीं तुम अपना टैलेंट नहीं दिखाओगे, तुम्हें टैलेंट नहीं दिखाओगे। तुम 1000 सब्सक्राइबर हो तो उसके बाद मैं तुम्हें ऑफर ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो तब तक आप सबको देखो, तो क्यों आप 11 नहीं आओगे? ये तो गलत बात है। देखो भाई अगर आप सब 11 को लाइक करते हो तो अच्छे से सब्सक्राइबर ला दो। तो चलते हैं 11 का देखते हैं तीथर। ओके तो गाइज ये रहा क्यारा का तीथर। तो ओपन ही है ये, इसको खोलने के लिए अनबॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं है किसी चीज़ की, है ना काकू? लोग अनबॉक्सिंग करके डालते, हाँ ऐसे खोल दे, ले खोल दे खोल दे, फिर खोल दे। लेकिन हाँ डोंट, इसके ऊपर से मत टच करना, नीचे से टच करना। तो अभी तो ये क्यारा को ऐसे दे नहीं सकते। तो ये होता क्या है बेसिकली, अभी इसको उबाला जाए गर्म पानी में करके फिर देना होता है। तो होता क्या, बच्चे इसको दबाते हैं, देखते हैं क्यारा क्यारा का तो वही फोन चाहिए। देखो फोन में मस्त है ना क्यारा, क्यारा ये लो सिंपल फोन नहीं, क्यारा नहीं लेगी इसको, वो फोन में भी लो उसको लिटा के करो। चलो इसको बालते हैं फिर देखते हैं, फिर यूज करते हैं इसको, फिर देखते हैं शाम के टाइम। तुम मत अभी मत डाल मुंह में पागल, नहीं डालना। हाँ तो अभी मुंह में नहीं डालना उसको। कैसी वैसे कक्कू क्या चीज लग रही है तेरे को? ये फ्लावर लग रहा है कोई? नहीं फ्लावर तो लग रहा है, यूज किस चीज के काम में आता है ये? तीथर ये अग्रसर करेगी ना तो उसके वजह कारण क्या है? उसके दांत नहीं वो होंगे। क्या नहीं होंगे? अरे मतलब वो दांत ऐसे हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे दांतों में हो जाता है। होता क्या दांतों में? अच्छा ऐसे जिगजैग हो जाते हैं दांत? हाँ। नहीं जिगजैग नहीं होते ना, हाँ, तो दांतों को टीस पड़ती है। तू भी छोटा था तो उंगलियां दबाता है, सब उंगलियां दबाते हैं, मतलब उंगलियां या कोई ऐसी चीज चाहिए होती है दबाए उसको, तो ये उसके काम आता है। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा सा दर्द भी होता है ना दांतों में, तो इससे वो नहीं होता। हाँ तू मत यूज कर ले, तेरे नहीं तो पड़ेगी, तो उसको काट के खा जाएगा। इसका उबालो। तो देखो क्यारा 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 ऊचू, क्यारा के पास भी देखो भाई आईफोन है, महंगे वाला फोन है क्यारा के पास। क्या बात, लो क्यारा अपना आईफोन ले लो। देखा ये है इसका आईफोन ट्रेंडिंग वाला ना, ये पता नहीं यार भाई कब तक रहेगा ये आईफोन वाला चीज। देखो बच्चों से बच्चों को भी बता भी आईफोन। अच्छा क्यारा क्यारा, अच्छा देखते हैं ये तीथर लेगी या आईफोन लेगी। चलो लगाते हैं, देखते हैं फिर करते हैं भाई लोग टेस्ट। इधर घुमा दे फिर उसको फिर। तो ये एक साइड पे रखा फोन और एक साइड पे रखा तीथर, देखते हैं किस साइड पे आती है क्यारा भाग के। ये आईफोन वाली है भैया, इसको तीथर नहीं समझ में आ रहा है, इसको आईफोन समझ में आ रहा है सिर्फ। अच्छा बेटा ब्रांड लोगो दिखाऊं, ब्रांड लोगो ये है। उसको जाए जो मर्जी कर दो, वही लेगी फोन। चलो अब एक चीज अब ये कर चुके हैं ना, अब ये कर चुके हैं ना। नहीं यार उसे आईफोन चाहिए, वो आईफोन वाली है, वो अभी भी तीथर नहीं लेगी, वो नहीं लेगी तीथर। लो देखो, अरे बाप, मतलब पूरा इसको आईफोन ही चाहिए। तो फाइनली क्यारा ने तीथर पकड़ लिया। अब क्यारा देखो तीथर के साथ क्या करेगी। एक तरफ है आईफोन और एक तरफ है रियलमी का मम्मी का फोन, तो देखते हैं क्यारा अब क्या चूज करती है। उसके आईफोन की तरफ। अरे वाह इसकी निगाहें देख रहे हो, आईफोन की तरफ है सिर्फ। क्रॉल कर रही है। हाँ तो क्रॉल करती है ये, मैंने काफी बार वीडियो बनाई है। नहीं लेट चलती थी। हाँ तो अभी वही फौजी वाला स्टाइल। अरे देखा अभी बच्चों को भी बता कि आईफोन क्या होता है यार, ये हद हो चुकी है। मतलब रियलमी वालों कुछ तो बना लो ऐसा कि जो बच्चों को अच्छा लगे, ये तो छोड़ ही नहीं रही है आईफोन। अब हुआ क्या कि अब वाइफ ने मेरी बोला कि कलर से अट्रैक्ट हो रही है तो इसलिए फोनों को उल्टा कर दिया। अब देखते हैं किस साइड पे आती है। 1 2 3 छोड़ दे गक्कू। क्या रहा
अच्छा भैया तुम सिर्फ ये बता दो इसकी नज़र कहाँ पे, कौन से फ़ोन पे है इसकी नज़र, अभी यहीं से तुम्हें आइडिया हो जाएगा। कमेंट करके बताओ कौन से फ़ोन पे निगाह थी इसकी भी थोड़ी देर पहले, देखो कहाँ जा रही है। अरे सब लोगों को पता लग रहा है यार कि उसको ये आईफोन ही चाहिए उसको। हाँ देखा देखा भाई, पता लग गया ना आपको कौन से फ़ोन अच्छा लग रहा है, इसे बताइए जल्दी। ये देखो जीत गई आईफोन फिर से, मतलब यार कुछ भी आईफोन आईफोन होता है, बाकी सब फोन ये जो है ये कूड़ा है, ये कूड़ा है बाबू कूड़ा, ठीक है इसको छोड़ दो। चलो गई फाइनली आ गई है, मतलब टच आईफोन उसके बाद में ये बहुत रेयर है, तो ये रेयर ये है। ये भी मेरे वाले फोन का भी बड़ा रेयर है भाई, तो मैं बेसिकली फोन से शूट करता हूँ। आईफोन किसको टक्कर कोई फोन नहीं दे सकता उसके कैमरे को, बस सिर्फ वन प्लस का देता है, इसीलिए हम बाय वन प्लस। चलो देखते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में क्या करेंगे कि एक रियलमी का और एक मेरा और एक आईफोन ये रखेंगे, और मैं अपने दूसरे कैमरे शूट करूंगा एक्चुअली, मैं जो मैं गोप्रो यूज करता हूँ फॉर राइडिंग, तो उसके बाद में देखते हैं कि क्यारा कौन सा फोन उठाते हैं। अगर क्यारा ने वन प्लस का उठाया ना तो आईफोन हार जाएगा, और तो अगर आईफोन आईफोन का उठाया तो क्या करोगे क्या? तो मैं वन प्लस का भेज दूंगा अपना। नहीं नहीं ये नहीं, शर्त में क्या है? नहीं काकू को देंगे। तो ये रहा भाई देखो तीथर उबल रहा है, उबल क्या रहा है अभी तो उबलना, गर्म रखा ही है अभी तो उबलना भी नहीं शुरू है। तुम यार क्या यार आदमी हो कुछ? नहीं अच्छा क्या हो तुम? देवता। ऐसे देवता की शक्ल देख लो भाई, अरे अच्छी है बहुत बहुत अच्छी है। तो मम्मा कह रहा को पानी पिला रही है, लेकिन वो मेरे वाइफ के हाथ में, इसलिए देखो पहले हो जाता है भाई। तीथर हो चुका है, उबल उबल चुका है तीथर बेचारा, गर्म हो चुका है पूरा। चलते हैं क्यारा को देने के लिए, जूस भी आ जा रही है। आ पहले हो गया तो तीथर, देखिए क्यारा को तीथर पसंद आ गया क्या है? पकड़ भी लिया अच्छे से, तो ये काम आता है एक्चुअली में तीथर, देख लिया बच्चों ने। तो बताते हैं वैसे तीथर नॉर्मल किसी भी दुकान से 150 या 170 रुपए का आराम से आपको मिल जाएगा इजीली, और अगर आप बठिंडा से हो और आपको बाय करना है तो मैं आपको शॉप का जो है नेम प्रॉपरली व्लॉग में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो जिससे कि आप इजीली परचेज कर सकते हो अगर आपके बच्चे के न्यूली तीथ आ रहे हैं तो। तो अभी तो क्यारा को जूस पिला रहे हैं, क्यारा को तीथर यूज ही नहीं करने देते कोई भी। तो मम्मी कह रहे हैं गोली भी आती है, अब कैलकेरिया फोर्स ला के भी देनी पड़ेगी यार हमें, कहा कुछ अच्छा है तो है कैलकेरिया फोर्स ले आया था मैं, मुझे याद ही नहीं, मुझे पता भी नहीं एक्चुअली, डॉक्टर लिखते हैं ना जो भी चीज, मम्मा यूज कर लेंगे तीथर। कैलकेरिया फोर्स दांतों के लिए अच्छा होता है, फोर्स तो जो क्या है कैलकेरिया फोर्स वो ये है, जो भी है मतलब कुछ भी है होम्योपैथिक दवाई है, तो बच्चों के जो तीत होते हैं इसी से क्या निकलते हैं, क्या अच्छे निकलते हैं, क्या होता है? दूध के दांत अच्छे आते हैं। अच्छा ओके, दांत ये दांतों के लिए कैल्शियम है जो कोलगेट में पाया जाता है, तो इसके अंदर भी वही है जो दांतों को मजबूत बनाता है। बिल्कुल कुछ बच्चों के बस इसमें नमक नहीं है, कोलगेट में नमक है इसमें नमक नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग वाली पावर नहीं आएगी। आप बताइए आपके आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है? अगर आपका बच्चा इन्फेंट है यानी कि छोटा है एक साल के अंदर अंदर है, तो उसको दो, हाँ, तो उसको दो, उसको दो, दो टाइम दो टैबलेट देनी है। पूरी डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ डॉक्टर डॉक्टर सब अवेलेबल है, आपको सब मिल जाएगा कुछ नहीं। बच्चा बड़ा है दो साल से, यानी कि दो साल से ऊपर है तो उसको चार टाइम दे, तो उसको चार टाइम दो 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 करके चार टाइम दो, तो उससे क्या होगा उसके दांत नहीं निकलेंगे, उसके दांत नहीं निकलेंगे हथौड़े निकलेंगे, है ना, मजबूत बनाता दांतों को। ये एडल्ट्स भी ले सकते हैं, ये इसको डिस्क्रिप्शन, अच्छा ओके डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे, तो इसको एडल्ट एडल्ट भी ले सकते हैं इसको। तो बाकी होप करता हूँ आप सबको ये वाला ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, तो करते हैं इस ब्लॉग का एंड। आज हमारे साथ जो ब्लॉग एंड करवाएंगे ना वो कक्कू जी है, मनीष शुक्ला जी। तो मनीष शुक्ला जी बोलिए बाय बाय, इसी बोल तो बाय बाय, बस लाइक सब्सक्राइब तो बोल दो, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को बहुत सारा, शेयर करिए और अपने रिश्तेदारों को भी बताइए, और नोटिफिकेशन बेल कौन दबाएगा? हाँ, वो ऑल ऑल का आता है ना साइड में, वो दबाना, घंटा वे दबाना ना, घंटा ऐसे टन आवाज भी आती है तो मैं इसको उल्टा लटका के आपको घंटा बजा के दिखाता हूँ कैसे बजता है तब तक, और बाकी आप तब तक इस चैनल को लाइक कर दो पूरा अच्छे से।